We are going to start chapter number 35, and the chapter number 35 is what is in a film. तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एक फिल्म से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको पर्टिकुलरली किस नाम से बुलाया जाता है. फिल्म्स तो आप सभी देखते होंगे ना बच्चों, तो चलिए पता करते हैं कि एक फिल्म से रिलेटेड लोगों को हम क्या क्या कहते हैं. सो व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल रिलेटेड टू अ फिल्म कॉल्ड. वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, गिव्स ऑर्डर टू द कास्ट एंड क्रू एंड मेक्स श्योर दैट द स्क्रिप्ट इज फॉलोड. वो इंसान जो सब कुछ कंट्रोल करता है फिल्म में, जो कास्ट है मीन्स जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या जो भी लोग हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो क्रू मेंबर हैं, मतलब सेट पर जो और लोग हैं जैसे कैमरामैन हो गया, ओके, ये सब जो लोग हैं और ये उनको कंट्रोल करता है वो इंसान, और ये मेक श्योर करता है कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट है उसे फॉलो किया जाए, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्टर. ओके, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज द पर्सन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि स्क्रिप्ट को फॉलो किया जाए. वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द मनी टू मेक द फिल्म. वो इंसान जो रिस्पॉन्सिबल होता है पिक्चर जो बनती है, फिल्म बनती है, उसमें जो भी खर्चा आता है उसे उठाने में, एंड फॉर अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, और दूसरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में जैसे कि कास्टिंग कौन कौन सी होगी, मतलब कौन सा एक्टर होगा, कौन से विलन होगा, एक्ट्रेस कौन सी होंगी, और कॉस्ट को कंट्रोल करने में. ओके, तो उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. थर्ड वी हैव वन हु राइट्स द स्क्रिप्ट. जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं. नेक्स्ट, एक्टर और एक्ट्रेसेस हु अपीयर इन अ फिल्म. जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस फिल्म में होते हैं वो होती है उस फिल्म की कास्ट. क्या कहते हैं उसे, कास्ट. वन हु कंपोजेस म्यूजिक. जो म्यूजिक बनाते हैं उन्हें कहते हैं म्यूजिक कंपोजर. म्यूजिक को कंपोज करते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूजिक कंपोजर. सो लेट्स गो अहेड. नंबर 6 पर है द पीपल अपेयर इन क्राउड सीन्स बट डू नॉट हैव स्पीकिंग पार्ट्स. वो लोग जो भीड़ में दिखते हैं मूवी में, फिल्म में भीड़ में दिखते हैं, लेकिन उनके हिस्से कोई डायलॉग्स नहीं होते, कोई स्पीकिंग पार्ट उनका नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रास. वो एक्स्ट्रा कास्ट होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रास. ओके, वन हु इज रिस्पॉन्सिबल तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रास. वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, वो इंसान जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिजाइनिंग एंड सप्लाइंग द स्पेशल क्लोदिंग वॉर्न बाय द कास्ट. कास्ट द्वारा पहने जाने वाली स्पेशल कपड़ों और ड्रेसेस के लिए, कॉस्ट्यूम्स के लिए जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर. ओके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेट पर, फिल्म के सेट पर उन कपड़ों को प्रोवाइड कराया जाए, सप्लाई दी जाए उनकी, जो फिल्म के लिए ज़रूरी हैं. चीफ इलेक्ट्रीशियन. चीफ इलेक्ट्रीशियन को हम कहते हैं गैफर. ओके, तो आगे चले. वन हु डायरेक्ट्स द लाइटिंग एंड फिल्म्स द एक्शन. जो सेट पर कैसी लाइट होनी चाहिए उस चीज़ को डायरेक्ट करता है, बताते हैं कि उन्हें ऐसी लाइट चाहिए, और एक्शन जो भी वहाँ पर शूटिंग हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं एक्टर और एक्टर्स की, एक्ट्रेस के द्वारा उन्हें शूट करते हैं तो उन्हें कहते हैं कैमरा मैन. तो ये सारे लोग होते हैं जो एक फिल्म को बनाने में सहायक होते हैं. ओके, और अब आपको इन सब के नाम पता हैं. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.